स्पीड नो टाइम, हमारे पास ये था 250 ml एवरी मिनट हम देते हैं, एवरी मिनट हम जब ये ऑक्सीजन टिश्यू को देते हैं, इस टिश्यू को जब दे देते हैं, जब रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आफ्टर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, और फिर जब यहाँ आ जाता है फिर ऑक्सीजनेट होता है, फिर ऑक्सीजनेट, फिर इस तरह साइकिल चलता रहता है, वो वाला नहीं जो आप लोग चलाते हो। फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास कंटेंट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड जब यहाँ आएगा, इस कंटेंट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड जो है आर्टीरियल साइड पर 48 ml है, लेकिन जब ये कैपिलरी से गुजर के आएगा फिर यहाँ पर 52 ml आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है, 100 ml ऑफ ब्लड में 48 ml है, लेकिन इस 100 ml ऑफ ब्लड में जब 15 g इसका हेमोग्लोबिन HB हो, नॉट पॉलीसाइथे में कोई एलेमिक ना हो, तो 15 g में कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 20 ml। इस 20 ml को जब हम यहाँ से गुजारते हैं, ये कितना ऑक्सीजन देते हैं, 5 ml, 5 ml ऑक्सीजन देगा, और इस 5 ml ऑक्सीजन की वजह से 4 ml, और इस 4 ml की वजह से यहाँ पर क्या 52 ml हो गया। फिर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट था, इस तरह साइकिल चलती रहती है। हमारे पास 4 फंक्शन ऑफ ब्लड है, 1 फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वो क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, दूसरा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रांसपोर्टर है। हमने ये पढ़ा था कि लंग से हमें कौन कौन मिलता है, लंग से हमें ऑक्सीजन मिलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। ऑक्सीजन तो समझ आ रहा है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्या है, लाइफ फॉर सेल कौन है, ऑक्सीजन ही होती है। लेकिन फिर ये है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के डिफरेंट फंक्शन हम पढ़े कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक फंक्शन क्या है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, माइनर कैपिलरीज जो है, माइन्यूट टाइप ऑफ कैपिलरीज जो है, व्हेन देयर इज चांसेस ऑफ इस्कीमिया, व्हेन देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स टू द डेड एरिया, तो फिर क्या करता है, पॉसिबिलिटी कौन करता है, कुदरत ने यहाँ पर एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए, इस नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ताकि पॉसिबिलिटी रहे माइनर से माइनर सेल या टिश्यू तक, ताकि ब्लड सप्लाई क्या हो, बरकरार रहे, सही है, एक तरफ से ये काम। फिर हमने ये कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो वर्क फॉर द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, स्पेशलाइज टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ भी ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, इस ब्लड सप्लाई के बढ़ाने की वजह से क्या हो, आपका जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्टेबलाइज रहता है। विदाउट नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है डिस्टेबलाइज होता है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कौन है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड करा देता है। ये खुद ही गूगल कर देना, मैं आप लोगों को टू द पॉइंट जो है हिंट्स मैंने आप दे बताया, इसमें भी अहम किरदार होता है। जब हमारे पास जब ब्लड में pH जो है, pH क्या हो, हमारे पास जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, जब मोर प्रोटॉन होंगे, जब मोर प्रोटॉन होंगे तो फिर क्या होगा, टाइटली रिएक्टिव होते हैं, तो जिसकी वजह से चांसेस ऑफ डिमेज ऑफ डीएनए, जब डीएनए डिमेज होगा तो फिर क्या होगा, सेल डिमेज होगी, जब सेल डिमेज होगा तो लाइफ बरकरार नहीं रहेगी। तो अंडर द एसिडिक एनवायरमेंट टू मच प्रोटॉन फ्री, सो देयर विल बी लॉट ऑफ एसिडोसिस, एंड अंडर द एसिडिक एनवायरमेंट जो है, और अंडर द एसिडिक सिचुएशन जो है, जब एंजाइम डोंट वर्क वेल और बॉडी फंक्शन फेल हो, सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट टू मैनेज दिस सिचुएशन, एसिडिक सिचुएशन को क्या करना है, मैनेज करना है, मैनेजमेंट वाले लोग। तो इस मैनेजमेंट में एक मैनी मैकेनिज्म है विच इज प्रेजेंट, जैसे एक हॉस्पिटल में दे आर मैनी मैनेजर्स आर प्रेजेंट टू मैनेज द एसिडिक एनवायरमेंट, इसी तरह हमारे पास हमारे जिस्म में भी स्पेशलाइज टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं, विच इज रेजिस्ट अगेंस्ट द एसिडिक एनवायरमेंट, विच इज़ रेजिस्ट अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन pH, इसके खिलाफ काम कर लेते हैं, इस pH के खिलाफ हमारे पास मैनी मैकेनिज्म है। लेकिन आज जो हम स्टडी करें वो क्या है, प्रोटीन मालिक्यूल, इस प्रोटीन मालिक्यूल का नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर, वो है इसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन मालिक्यूल। इस हेमोग्लोबिन मालिक्यूल में एक हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन मालिक्यूल है द कैपेबिलिटी विच कैन वर्क रिवर्सिबली, विच कैन वर्क क्या है, विच कैन बाइंड अ प्रोटोन रिवर्सिबली, ये भी बोल सकते हो, विच कैन बाइंड अ प्रोटॉन रिवर्सिबली। हमारे पास ये हेमोग्लोबिन मालिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, दिस इज द हेमोग्लोबिन मालिक्यूल, हेमोग्लोबिन मालिक्यूल, ये हमारे पास फोर पायरोरिंग, चार मालिक्यूल ऑफ क्या है, चार मालिक्यूल पायरोरिंग मिल के क्या बनाते हैं, एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल बनाते। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने हैं फोर, कितने मालिक्यूल मिल के एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल बनाते, कितने, फोर पायरो रिंग मिल के क्या बनाते हैं, है कि हेमोग्लोबिन मालिक्यूल होते हैं, हाँ हीम बनाते हैं, तो वहाँ पर ग्लोबिन चेन होते हैं। हमारे पास ये ग्लोबिन चेन जो है स्पेशलाइज टाइप ऑफ एमाइनो एसिड से बनता है, इस
इस एमाइनो एसिड का नाम क्या है? हिस्टिडीन मॉलिक्यूल. क्या है? हिस्टिडीन. हिस्टिडीन के साथ एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ व्हाट होता है? स्पेशलाइज टाइप ऑफ हुकर होता है. और दे हैव द नेगेटिव चार्ज. इस नेगेटिव चार्ज के साथ साथ ये कहें दिस हिस्टिडीन मॉलिक्यूल हैज़ द कैपेबिलिटी टू ग्रैब व्हाट? टू ग्रैब द प्री फॉर्म ऑफ प्रोटॉन व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ दो मैकेनिज्म. लेट सपोज व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ एसिडोसिस इन द प्लाज्मा लेवल. जब यहाँ पर क्या हो, एसिडिक एनवायरनमेंट के चांसेस होते हैं, तो मैं क्या करूँ, आई एम वर्क लाइक अ बफर. तो मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, लेट सपोज आई एम हिस्टिडीन मॉलिक्यूल हियर, तो मैं क्या करूँगा, हाँ मैं क्या कर लेता हूँ, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर फ्री प्रोटॉन, ये फ्री घूम रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मेरे पास फ्री घूम रहे, तो मैं क्या, आई एम हिस्टिडीन हियर. तो हिस्टिडीन क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, घूमना नहीं है भाईजान. तो क्या कर लें, तो क्या कर लें, जब मैं इसको इस तरह ग्रैब कर लूँगा, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ एसिडोसिस, व्हेन आई ग्रैब दिस टू मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, is there fluctuation will be occur? No. The chances of fluctuation will be decreased down by what? By grabbing the these extra molecule. Yeah, हमारे पास extra molecule है. This is also extra molecule. Plasma level पे ये extra molecule थे. मैंने देख लिया. I am the histidine molecule. There is chances of what? Fluctuation. There is chances of tendency of acidosis. जब tendency of acidosis मैंने देख लिया, इस tendency of acidosis को जब मैंने देख लिया, मैं एकदम वो एकदम पकड़ लिया. आई एम वर्क लाइक अ मैग्नेटिक ग्रेब, आई ग्रेब दिस. लेकिन जब मैंने देख लिया, दूसरा कंडीशन है, व्हेन आई चेक द सिचुएशन व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस. जब टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस होगा, व्हाट इट्स मीन टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस होगा, तो फिर इसका क्या मतलब है, आई विल आस्क इन द एंड ऑफ द शिप प्लीज. जब मैं टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस को, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम नॉर्मल लेवल. जब हाइड्रोजन आइंस कम होंगे, तो फिर अल्कोलोसिस की तरफ जाएगा. जब अल्कोलोसिस की तरफ जाएगा, तो फिर इस अल्कोलोसिस से बचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हाइड्रोजन आइंस की. तो द ग्रेप टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रिलीज. तो मैं क्या करूँगा, आई विल रिलीज. दो कंडीशन है, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ एसिडोसिस, आई विल ग्रेप. व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस, आई विल रिलीज. जाओ, सही है, दिस इज मेन मैकेनिज्म है. समझ आया अभी? आई हाँ हाँ. तो आई वॉज व्हाट, हिस्टिडीन मॉलिक्यूल था, एंड वेयर आई वॉज प्रेजेंट, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. तो मैंने आप लोगों को बफर सिस्टम बता दिया, इस तरह बफर सिस्टम है. हाँ, ये कंसेप्ट सही समझ में आया? हाँ, यूनिक टाइप. हाँ, तो दोनों कंडीशन है हमारे पास. ये कंडीशन भी बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड का भी बताया. फिर इसके बाद क्या है, हमारे पास आरबीसी में लॉट ऑफ, हमारे पास आरबीसी एक्स सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स होते हैं ना, हमारे पास इन आरबीसी सेल देयर इज लॉट ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हमारे पास एक आरबीसी सेल्स में बहुत से क्या होते हैं, हाँ हमारे पास बहुत से हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं. ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मैंने क्या कहा, वो तो हो गया, लेकिन एक तरफ से बफर हम पढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा, रिलीज द रिएक्शन, ग्रैब द रिएक्शन. दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे, आई वॉज वर्किंग एज अ हिस्टिडीन मॉलिक्यूल एंड दीज वर मॉलिक्यूल विच, हमारे पास ये भी एक मॉलिक्यूल है जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम, मैं क्या करूँगा, हाँ आई विल ट्राई टू ग्रैब दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बिकॉज this molecule create the such type of acidic condition. such type of acidic condition की वजह से मैं इसको क्या करूँगा, I will grab. हाँ, हमारे पास an RBC lot of hemoglobin molecule in one RBC special enzyme. हमारे पास RBC, अभी please, हमारे पास this is the RBC cells. For example, ये हमारे पास क्या है, this is the RBC. ये RBC क्या करेगा, what's the RBC will do? ये हमारे पास RBC है. इस RBC में हमारे पास वी डू हैव द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब स्पेलिंग नहीं आते फिर इस तरह करते हैं. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, हाँ. तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम है
what where carbonic anhydrase enzyme is present within the RBC. What's the function of carbonic anhydrase enzyme? हमने ये कहा था कार्बन क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में कैसे होता है, हाउ इट विल हैपन विन द हमारे पास जब यहाँ पर 250 ml हमने इस टिश्यू को दिया, इस टिश्यू की वजह से हमें बदले में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले क्या है, मैंने आप लोगों का इंटरस्टिशियल स्पेस, देन कैपिलरीज, फिर इस कैपिलरीज में हमारे पास ये आरबीसी होता है, इस आरबीसी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है. याद रखो द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ लिपिड सोलिबल सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, बगैर ट्रांसपोर्टर के एंटर हो जाता है. ये हमारे पास आई टेक वन आरबीसी हेयर and I will give the example how the your hemoglobin molecule within the RBC do work. तो यहाँ पर हमारे पास this is what RBC है. इस RBC cell में carbonic anhydrase enzyme है. यहाँ पर मैंने क्या किया, जब यहाँ पर मेरा carbon dioxide क्या हो गया, enter हो गया, यहाँ पर plasma cell RBC में भी water होता है और due to the metabolic process की वजह से भी water बनता है. जब ये क्या करते हैं, what's the carbonic anhydrase enzyme will do, it will associate the carbon dioxide with water, and after who will associate these two molecule, carbonic anhydrase. This carbonic anhydrase is by the association of carbon dioxide with water, it will make a specialized type of what compound which is known as H2CO3 carbonic acid. And when carbonic anhydrase enzyme will work on this carbonic acid, so it will convert into what, HCO3 and the another molecule which is H plus, and this due to the production of H plus within the RBC. So फिर क्या होगा, there is chances of what, acidic environment, and under the acidic environment can this RBC will do work normally, no. तो हमारे पास कुदरत ने क्या किया, यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर हेमोग्लोबिन मालिक्यूल क्रिएट किए, इस प्रोडक्शन की वजह से इसके साथ एक हिस्टिडीन एमाइनो एसिड प्रोड्यूस किए, इस एमाइनो एसिड के प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर एक हुकर प्रोड्यूस किए. व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ व्हाट, फ्री फ्रॉम अ प्रोटॉन, जब फ्री फ्रॉम अ प्रोटॉन बढ़ेंगे, इस फ्री फ्रॉम अ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से देयर इज टेंडेंसी ऑफ व्हाट, एसिडोसिस. When there is tendency of what, acidosis, and under this circumstances the hemoglobin molecule will what, will grab, क्या करेगा, grab करेगा, ताकि क्या हो, chances of fluctuation of pH ना हो, तो ये buffer कर दिया. एक condition ये हो गई. हमारे पास क्या होता है, ये continue तौर पर metabolism होती है, continue तौर पर ये काम होता रहता है within the RBC, और RBC का जब भी हम blood sample लेते हैं इसका pH क्या होता है, 7.45 इन द आर्टीरियल साइड होता है, 7.35 इन द वेनस साइड होता है. यहाँ पर पीएच कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है या नहीं, 0.04 देख लो, 7.35 यहाँ पर होता है. कार्बन पीएच कम हो गया तो बढ़ गया ना एसिडिक एनवायरनमेंट. रीज़न क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ड्यू टू दिस कंडीशन. यहाँ पर 7.45 आर्टीरियल साइड पर होता है पीएच, यहाँ पर 7.35, बार बार इसलिए कह रहा हूँ. फिर क्या क्या, जब कंटिन्यू तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर मिलता है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये काम करता है, तो ये कंटिन्यू तौर पे काम करता रहता है. लेकिन याद रखो कि जब हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल को कौन लेता है, हेमोग्लोबिन मालिक्यूल ने इसका जिम्मेदारी ली, लेकिन जो बाइकार बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि एक चीज़ जब बढ़ती है तो फिर क्या होता है, जब जिस तरह मजाक जब हद से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर क्या होता है, हालात ख़राब हो जाते हैं. सही है, जो अभी तक हालात ख़राब है हमारे. तो इसी तरह जब HCO3 के जब लेवल बढ़ जाता है तो क्या है, इसके वजह से हालात ख़राब होने के चांसेस होते हैं. तो कुदरत ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी, इस कंडीशन का नाम क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा लेवल पे HCO3 का लेवल क्या होता है, कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है. ड्यू टू दिस कंडीशन द HCO3 मालिक्यूल will be go into the plasma, and due to this condition the chloride will in. सही है, ताकि क्या हो, क्योंकि अगर ये permanently रहेगी HCO3 तो हमारे पास ये reaction stop हो जाएगी. तो इसको continue तौर पर chloride क्या होगा, comes in होगा और bicarb क्या होगा, comes out होगा, ताकि क्या हो, positive charge की तरफ chances होते हैं. तो इसको regularize रखने के लिए कुदरत ने ये condition रखी. हाँ, दूसरा condition हम पढ़ा रहे हैं अभी, interesting चीज़ ये है, जब हम ज़्यादा exercise करते हैं तो फिर क्या होता है, जब ज़्यादा बारिश होती है
हाँ, तो यहाँ पर जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है। ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन क्या एक्सरसाइज, हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो है एक क्या बोलते हैं, सही है, लेकिन मैं बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बेनिफिशियल है? नो सर। जब मैं बोलूँ एक्सरसाइज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा है तो क्या ये बेनिफिशियल है? नो सर। क्यों? मैं बोलूँ है, आप बताओ कंडीशन। मैं बोल रहा हूँ है, एक्सरसाइज करने की वजह से हाइपर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एक्सरसाइज करने की वजह से आपका टिश्यू क्या होगा, हाइपर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड्स टू द आरबीसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस हाइपर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन हाइपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एच प्लस आयन एंड हाइपर प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्ब होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ चांसेस होती है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है, फिर क्या होगा यहाँ पर, जब विद इन पेरिफेरल टिश्यू जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, इस एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हमारे पास ये पहले क्या होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल होते हैं, कौन होते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास हेमोग्लोबिन मालिक्यूल क्या है, इट इज़ द ट्रांसपोर्टर ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। ये ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं, सही है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल या आरबीसी सेल जो है ऑक्सीजन लेके आता है, फिर इसको देते हैं, फिर ये मिल जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन अटैच होते हैं। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज होते हैं, दिस इज़ द एसोसिएटेड फॉर्म, ऑक्सीजन एसोसिएटेड फॉर्म विद हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ना, हिस्टिडीन मॉलिक्यूल के साथ है। लेकिन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगी, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फिर ये ज़्यादा बनेगी, जब ज़्यादा एच मॉलिक्यूल बनेगी तो यहाँ पर एफिनिटी ऑफ प्री प्रोटॉन की एफिनिटी बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा, इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन की वजह से ये ऑक्सीजन कहाँ आएगा, टूवर्ड्स टू द टिश्यू आएगा, कहाँ आएगा, टूवर्ड्स टू द टिश्यू आएगा, और ये यहाँ पर कौन आएगा, H प्लस आएगा। हम बोलते हैं आप उठो, आपकी जगह मैं बैठ रहा हूँ, तो कौन आएगा, जब हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इस हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये बनेगा, जब ये आएगा हम बोलते हैं आप उठो, दीज आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं बोलता हूँ बाहर जाओ, इसके लिए अलग जगह है, वो अलग जगह कौन है, ये टिश्यू है। हमारी नीड किस चीज़ की है, ऑक्सीजन की नीड टिश्यू को है या हीमोग्लोबिन को है, टिश्यू को है, आरबीसी को ऑक्सीजन की नीड नहीं है, आरबीसी एज जस्ट वर्क या आपका ब्लड जो है जस्ट वर्क एज अ ट्रांसपोर्टर करते हैं, इसको नीड नहीं है। हम बोलते हैं फॉर द लाइफ ऑफ ब्लड के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है, नहीं है, हमारे फॉर लाइफ ऑफ सेल और टिश्यू के लिए नीड है। लेकिन ये कब रिलीज होगी, जब हाइपर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे, इसको कौन निकालेगा, कभी कभी मैं निकाल लेता हूँ, आई एम वर्क हियर, सही है, आई एम, हाँ, फिर कौन होता है, इसको कौन निकालेगा, हाँ अभी मिसाल दे रहा हूँ, फिर क्या होगा, कौन आएगा, नेक्स्ट वन कोई आ रहा है खुशी के साथ वीडियो में अपने आप को, तो आ सकते हो। हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है, विद देयर इज चांसेस ऑफ, हाँ प्लीज सुनो, विद देयर इज चांसेस ऑफ क्या है, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जाएगी, आरबीसी के अंदर जब जाएगी तो ये एक रिएक्शन होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको मिलेगा, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से जब इस तरह साइकिल चलेगी तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ेगी, जब हाइड्रोजन आयंस बनेगी तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हाइपर एफिनिटी ऑफ व्हाट, प्रोटॉन, फ्री प्रोटॉन की एफिनिटी बढ़ेगी, जब ये फ्री प्रोटॉन ऑफ एफिनिटी बढ़ेगी इसको क्या करेगी, एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एसोसिएट करेगी, और डिसोसिएट किसको करेगी, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगी, ड्यू टू द ऑक्सीजन डिसोसिएशन द डिसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विल गो इनटू द टिश्यू, तो क्या है, इज दिस गुड फॉर हेल्थी, हाँ, तो आपने क्या कहा, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट्स द गुड फॉर हेल्थ, कैसे हेल्थ है, जो सबूत के साथ मैंने बता दिया, सही है, जब ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे तो ज्यादा, हाँ तो ज्यादा जो ऑक्सीजन है उसको मुझे बोलेगा तुम निकलो, मैं इसको ऐसे निकालूंगा, जाओ, क्या किसको निकालो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किस तरफ, दीज आर द टिश्यू, आपकी जिंदगी है, ये जब आता है तो आप लोग खुश होते हो, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप लोगों को मिल गया, हाँ, तो हमारे पास एक इस इफेक्ट हो, हाँ, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हमारे पास एक इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोर्स, बोर्स इफेक्ट, क्या कहते हैं, हाँ हाँ,
तो हम ये पढ़ते हैं, व्हाट इज बोर्ज इफेक्ट? कोई क्वेश्चन करे, व्हाट इज बोर्ज इफेक्ट? बोर्ज इफेक्ट इज अ इफेक्ट ऑन पेरिफेरल टिश्यू ऑन द आरबीसी ऑन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल व्हिच लीड टू व्हाट? ड्यू टू द हाइपर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच लीड टू व्हाट? Which lead to dissociate the oxygen molecule from hemoglobin molecule and do the associate and do the what to associate? Carbon dioxide. No, do the associate the hydrogen ions towards to the histidine molecule and dissociate to the oxygen. And this oxygen will go into the tissue. So your body will become healthier. तो ये कहाँ पर होता है? हमारे पास जो बोज इफेक्ट होता है कहाँ होता है? हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू पे होता है. जी बोलो, कोई क्वेश्चन है आपकी, कोई क्वेरीज है तो पूछ लो, आई डोंट माइंड. हाँ, कोई और क्वेश्चन है यहाँ पर? व्हाट इज बोर्ज इफेक्ट? इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइपर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हिच लीड टू डिसोसिएट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल and this dissociated form of oxygen will go into the tissue, so your tissue will become peripheral tissue will become healthier. And यहाँ पर कौन सा चीज़ associated form में आएगा? Free proton ions. और free proton ions कब बनेगा? जब carbon dioxide का production ज़्यादा बनेगा. Free proton जब कोई आएगा तो इसको उठाएगा. हाँ, तो मैं आ गया हूँ तो इसने acidic environment उसे कर दिया. सही, healthy body के लिए हमने ये कहा कि RBC को नीड नहीं है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की. किसकी नीड है? टिश्यू की. हमारे पास ये कौन सा इफेक्ट है? बोर्ज इफेक्ट. कोई पूछे तो व्हाट इज बोर्ज इफेक्ट समझ आएगा, अगर मुझे नहीं आता है. हमारे पास बोर्ज इफेक्ट ये कहते हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है. व्हाट इज बोर्ज इफेक्ट? अभी आलिमान अंदाज में पढ़ो. इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पेरिफेरल टिश्यू ऑन हेमोग्लोबिन व्हिच इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. सही, विच इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन विच लीड टू जनरेट बैंड विद हेमोग्लोबिन एंड डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ प्रोटोन. एफिनिटी ऑफ प्रोटोन को बढ़ा दिया और डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन को क्या किया? सो हेल्प इन डिलीवरी मोर ऑक्सीजन टूवर्ड्स टू द टिश्यू विच आर प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड. जब ज़्यादा प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा. ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा. हाँ, अभी हम दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे. हमारे पास दूसरा कंडीशन है, इसको हम क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट. दूसरा है हेल्डेन इफेक्ट. व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट? हमारे पास जो दूसरा इफेक्ट है हेल्डेन इफेक्ट है. हेल्डेन इफेक्ट जो है विद इन द लंग्स होता है, यहाँ पर लंग्स. लेकिन जब हमारे पास जब ये रिएक्शन होता है हमने ये कहा था कि आरबीसी, हमने ये कहा था कि हमारे पास कौन होता है? हमारे पास आरबीसी जो है, इट इज़ नॉट द ओनली ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सीजन बट इट आल्सो ट्रांसपोर्टर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे पास बॉडी में थ्री फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? HCO3. देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. HCO3 है हमारे पास, एक CO2 है, एक कार्बो एमाइनो ग्रुप है. सही है, कार्बो एमाइनो ग्रुप है. सही है, ये हमारे पास ये चीज़ें हो गई. लेकिन ये कहाँ पर जाएगी फिर? लंग्स में जाएगी. जब ये लंग्स में जाएगी तो वहाँ पर उलट काम होगा. लंग में फिर क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट काम होता है. कैसे होगा देख लो. लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन. हाँ, यहाँ पर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है. हमने यहाँ पर किसको डिसोसिएट किया? ऑक्सीजन को डिसोसिएट किया. किसको? पेरिफेरल टिश्यू में ऑक्सीजन को डिसोसिएट किया. फॉरवर्ड, ताकि टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन मिले. हमने इसलिए वहाँ पर क्या होगा? हमारे पास हेल्डीन इफेक्ट में लंग में क्या होते हैं? एसोसिएट टू ऑक्सीजन एंड डिसोसिएट टू कार्बन डाइऑक्साइड. अपोजिट काम होता है. डिसोसिएट कैसे होते हैं देख लो. हमारे पास ये यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे पास जब यहाँ अल्विलर साइड, दिस इज द अल्विलाई फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास क्या है? अल्विलाइज है. अल्विलाइज क्या? सबसे पहले अल्विलाइज में हमारे पास जाते हैं. हमारे पास यहाँ पर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं? 97% होते हैं तकरीबन, जो हाइपर होता है. इस जब ऑक्सीजन यहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा? आरबीसी के अंदर जाएगा. ऑक्सीजन कहाँ आएगा? आरबीसी के अंदर जाएगा. हमारे पास थ्री फॉर्म मैंने कहा. कुछ जो है, सबसे पहले कौन सा है? कार्बो एमाइनो ग्रुप जो है अल्विलाई में जाएगा. 90% हमारे पास कौन होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, बाइकार्ब होता है, सॉरी
दिस इज द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखो। ये भी हमने ये कहा था, आप लोगों ने सिर्फ अभी तक ये सीखा था ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वी हैव डिफरेंट। जैसे जिस पेशेंट का सोडियम कम होते तो हम सोडियम बाइकार्ब देते हैं, क्योंकि सोडियम इसमें होते हैं, इसलिए इस बाइकार्ब में भी क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। हमारे पास 90% जो होते हैं वो बाइकार्ब होता है, इसके अलावा CO2 और कार्बो एमाइनो जो होते हैं वो तकरीबन 5% होता है, सही है। सबसे पहले बाइकार्ब जो है अलविदाई की तरफ जाएगा, प्लाज्मा में ज़्यादा था ना, पहले RBC में ज़्यादा होता है, वो ट्रांसफ़र हुआ प्लाज्मा में, प्लाज्मा से चला। जब प्लाज्मा में बाइकार्ब कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, RBC से रिलीज़ होना शुरू, कौन रिलीज़ होगा, CO2, जो क्या डिजोल्व फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डिजोल्व फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब अलविदाई की तरफ जाएगा फिर कौन आएगा, कार्बो एमाइनो ग्रुप जब आएगा फिर कंडीशन आएगी, फिर कौन सी कंडीशन आएगी, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, अल्कोलोसिस की चांसेस होती हैं, सही है। किसकी चांसेस होती हैं, अल्कोलोसिस की चांसेस होती हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, सही है। अल्कोलोसिस की चांसेस जब अंडर द अल्कलेटिक अल्कलाइनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, दिस विल रिलीज द हाइड्रोजन आयंस, कौन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि दे आर वट इज हैपनिंग हेयर, टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस। तो ये हेमोग्लोबिन मालिक्यूल क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस हेमोग्लोबिन मालिक्यूल को जब कौन मिलता है, अपोजिट के रिएक्शन में पढ़ते हैं, ये हैं क्या बोलते हैं, हमारे पास RBC में क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये हाइड्रोजन आयंस किसकी वजह से, टेंडेंसी ऑफ अल्कोलोसिस की वजह से ये RBC में रिलीज हो गए। जब RBC में रिलीज हो गए, जब इसको बाइकार्ब मिल गया, ये किसके साथ मिलेगा, बाइकार्ब के साथ, और ये हाइड्रोजन आयंस है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उलट है, ये फिर H2CO3 में, H2CO3 किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2 में, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा फिर, मजीद एक्सपेल आउट होगा, एक्सपेल आउट होगा। इसके एक्सपेलजन की वजह हमें जब ऑक्सीजन मिला, फिर इस खाली सीट पे कौन आएगा, जब ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर होगी, यहाँ पर रिलीज हुआ हो गया था ना, तो यहाँ पर कौन आएगा, ऑक्सीजन एसोसिएशन, कौन आएगा, ऑक्सीजन एसोसिएशन, तो ऑक्सीजन एसोसिएट हो गया। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज हेल्डन इफेक्ट। व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एसोसिएशन विद हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल व्हिच लीड टू एसोसिएट, एसोसिएट टू व्हाट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब एसोसिएट हो जाता है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। और ये कहां पर होता है, लंग्स में होता रहता है, यहां तक हमारा जो बफर सिस्टम था वो डिसमिस हो गया। इसके साथ ही हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, सिर्फ कितना टाइम लगेंगे,